तो ये है गाइस लावा अग्नि 2 5G और आज मैं इसका डिटेल्ड कैमरा टेस्ट करने वाला हूँ। हम लोग देखेंगे कि किस तरह के फोटोज़ और वीडियोस ये वाला फ़ोन निकालता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि लावा अग्नि 2 5G के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हो। फोटोज और वीडियोस देखने से पहले एक बार कैमरा यूआई देख लेते हैं किस तरीके का है। तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नाइट मोड मिलेगा। नाइट मोड आप फ्रंट कैमरे और अल्ट्रा वाइड में यूज नहीं कर सकते हो। उसके बाद वीडियो मिलेगा और वीडियो में आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पे आप EIS क्वालिटी को 4K 2K और Full HD में कर सकते हो। माइक्रोफोन है, कैमरा म्यूट है, ग्रिड लाइन है, वॉल्यूम फीचर है और एंटी फ्लिकर वगैरह मिलेगा। और अगर आप इसको Full HD कर दोगे तो Full HD में आपको 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद फोटो मोड है, यहाँ पे HDR AI और फिल्टर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और सेटिंग्स में अगर आप फोटो मोड के में देखते हो तो पिक्चर क्वालिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हो मेगापिक्सल्स को, और लोकेशन इन्फो वाटरमार्क कुछ इस तरीके के फीचर मिल जाएंगे। इसके बाद फिल्म मोड है, यहाँ पे कुछ लट्स टाइप दे रखे हैं। इसके बाद पोर्ट्रेट है और पोर्ट्रेट में आप डेप्थ को यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। लास्ट ब्यूटी मोड है और ब्यूटी को भी आपसे यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। और यही सेम फीचर आपको फ्रंट कैमरे में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। बस अंतर ये है कि फ्रंट कैमरे आप वीडियो रिकॉर्डिंग आप केवल Full HD तक कर सकते हो और नाइट मोड आपको फ्रंट कैमरे में देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब लास्ट एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे मोर ऑप्शंस होते हैं तो एक तरीका इसमें ये है कि नीचे से आप स्वाइप करेंगे तो मोर में आपको GIF, प्रो मोड, पेनोरमा, अल्ट्रा HD, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, मैक्रो और इंटेलिजेंट स्कैनिंग, मतलब QR कोड स्कैन, ये मिल जाएगा। और आप जो मोर ऑप्शन से आप ऐसे नीचे से स्वाइप करके निकाल सकते हो। या फिर इसका एक तरीका और है, आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे मोर मोड्स में आप इसको टैप भी कर सकते हो। टैप पे क्लिक कर देंगे तो लास्ट में आपको ये टैप बन के आ जाएगा, आप यहाँ से मोर ऑप्शंस निकाल सकते हो। अब सेटिंग्स में एक चीज़ और दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पे आप कैमरा साउंड को भी चेक कर सकते हो, इसको आप बदल सकते हो। ये 4 साउंड आपको यहाँ पे कैमरा में देखने के लिए मिल जाएगा। और UI कलर को भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे अभी ब्लू है, मैं अगर लेट्स इसको येलो अप्लाई कर देता हूँ तो पूरे UI में जो कलर है वो येलो में चेंज हो जाएगा। तो चलो कैमरा सैंपल्स की शुरुआत मेन बैक कैमरे से करते हैं। तो ये पोर्ट्रेट मोड का फोटो है और देखने में ओवरऑल काफ़ी कॉन्ट्रास्टी और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये उसी सेम जगह का नॉर्मल फोटो है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कलर्स अच्छे हैं और डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छी आई है। ये नॉर्मल शॉट मैंने लिया है और काफ़ी अच्छे आए हैं और ये इसका 2x शॉट है। नेक्स्ट शॉट में आप देख सकते हो ये नॉर्मल मोड है और ये इसके बाद इसका पोर्ट्रेट मोड है। तो लाइट डिटेक्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छा किया है फोन ने। इसके बाद यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे आप देख सकते हो कि पोर्ट्रेट मोड में HDR बिल्कुल भी काम नहीं करता और लावा को ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ठीक करना चाहिए। नॉर्मल मोड में तो HDR काम करता है बट पोर्ट्रेट मोड में नहीं करता। और ये पोर्ट्रेट मोड की जो फोटोज़ हैं वो लो लाइट में लिए गए और लो लाइट में ये कैमरा काफ़ी शाइन करता हुआ मेरे को दिखा। आप देख सकते हो जो सैंपल्स हैं लो लाइट के हैं ये सभी के सभी और काफ़ी बढ़िया सैंपल्स यहाँ पे निकल के आए। लेकिन पोर्ट्रेट मोड का जैसे मैंने बताया ये मेरे को काफ़ी अच्छा नहीं लगा यार, बिल्कुल पीछे वाइट वाइट कर देता है। और ये सनसेट का फोटो है, यहाँ पे भी डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छी आई है। ये फोटो मूविंग कार का है तो यहाँ पे कार वगैरह सभी चीज़ के ऊपर डिटेल्स काफ़ी अच्छी आई है और HDR भी अच्छा है। लास्ट शॉट में आप देख सकते हो कि लो लाइट का है, लाइट उल्टी सीधी जगह उसे पड़ रही है, शादी में मैं गया था, लेकिन फिर भी फ़ोन ने काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज कर लिया है। अब एक अगेन फोटो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं लेकिन फिर भी फोकस काफ़ी अच्छा है, कहीं पे फोकस लॉस नहीं मिला। ओवरऑल जो फोटो की क्वालिटी है वो लो लाइट में मेरे को काफ़ी पसंद आई। जो सैम्पल शॉट्स हैं आप उनको रेगुलरली देख सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे ये नॉर्मल फोटो है और यहाँ पे आप देख सकते हो डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छी तरीके से कैप्चर किया है और डिटेल्स भी काफ़ी बढ़िया है। इसी फोटो को जब मैंने 2x जूम पे लिया तब भी डिटेल्स काफ़ी अच्छे आए हैं और 2x में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डिटेलिंग लॉस नहीं होती है, ओवरऑल जो शार्पनेस है वो बरकरार रहती है। अब ये बैक कैमरे से सैंपल है, ये देख सकते हो ये नॉर्मल मोड में मैंने लिया है। इसके बाद मैं आपको इसका ब्यूटी मोड भी दिखाता हूँ और यहाँ पे स्किन टोन्स काफ़ी क्लोज टू नेचुरल आई हैं। ये इसका थोड़ा सा पोर्ट्रेट मोड है और पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन ठीक है लेकिन कहीं कहीं मिस कर देता है, जैसे हाथ के बराबर वाली जगह में यहाँ पे एज डिटेक्शन को मिस कर दिया है। अगर बहुत सारे लोग फ्रेम में होते हैं तब भी ये काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे लोग बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी चीज़ें काफ़ी अच्छी आई हैं। और स्किन टोन्स मेरे को फ़ोन की पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, स्किन टोन्स काफ़ी रियल टू लाइफ आती हैं। बट जैसा मैंने बताया कि जितने भी पोर्ट्रेट मोड के फोटोज़ लिए हैं वहाँ पे अगर बैकग्राउंड में लाइट होती है तो ये फ़ोन उसको मैनेज नहीं कर पाता और डायनेमिक रेंज बहुत गंदी आती है सच में। ये कुछ इंडोर शॉट्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो पीछे मेरे लाइट लगी हुई है उसका कलर भी काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज हो गया है। और स्किन टोन्स मैंने नोटिस किया यार, हर लाइट के केस में स्किन टोन्स काफ़ी अच्छी मैनेज कर लेता है, लाइक लो लाइट हो या फिर हार्श लाइट हो, डे लाइट हो, किसी भी तरह की लाइटनिंग हो, स्किन टोन्स जो होती है ना काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। और हम इंडियंस लोग के हिसाब से जो स्किन टोन्स हैं उनको एकदम रियल टू लाइफ शो करता है। ये अलग अलग लाइटिंग के फोटोज़ हैं, आप इनको देख सकते हो। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर फोटोज़ अच्छे लग रहे हैं, मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो यार, ताकि हमारा भी थोड़ा सा कनेक्शन अच्छा हो। और इस फोटो को आप देखिए, काफ़ी अच्छी डायनेमिक रेंज है लेकिन अगर आप जब इसको व्यू फाइंडर में देखेंगे तो भाई कितना गंदा दिख रहा था, और उसी सेम जगह पे जब मेरा फोटो देखिए तो कितनी अच्छी तरीके से इसने डायनेमिक रेंज को हैंडल किया है, तो बैक कैमरा सही। तो चलो अब कुछ सेल्फी कैमरा के फोटोज़ देखते हैं, सेल्फी मैंने लिया फ़ोन से। सबसे पहला फोटो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे वही है कि यार डायनेमिक रेंज यहाँ पे बिल्कुल गंदी आती है। और फ्रंट कैमरे में तो मैंने जैसा बताया भी कि फ्रंट कैमरे में HDR
ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलता, बट लो लाइट में फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, डिटेलिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बट यार जो चीज़ मेरे को सबसे गंदी लगी ना, बैक कैमरे से पोर्ट्रेट लो या फिर फ्रंट कैमरे से नॉर्मल या पोर्ट्रेट कैसा भी फोटो ले लो, बैकग्राउंड की लाइट को ये बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाता है, बैकग्राउंड की लाइट को एकदम से चकाचौंध कर देता है, क्योंकि पर्सनली चीज़ें नहीं लगी ठीक लगी। अब फ्रंट कैमरे की ये फोटो है काफ़ी अच्छा आया दिखने में, बट वही है कि स्काई के कलर्स कहाँ हैं, स्काई कहाँ है वो पता ही नहीं चल रहा। और पोर्ट्रेट मोड में भी फोटोज़ काफ़ी अच्छे लगाते हैं, ऐसा नहीं लगता कि एजेस को प्रॉपर डिटेक्ट नहीं किया है, अगर आपके बॉडी के आसपास जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेक्ट हो जाती है, और बैकग्राउंड में और फोरग्राउंड में काफ़ी अच्छी डिटेलिंग आ जाती है, तो डिटेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है कि अलावा सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू यहाँ पे डायनेमिक रेंज को इंट्रोड्यूस कर दे तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। चलो आप देखते हैं एकदम से एक्सट्रीम लो लाइट वाले कुछ फोटोज़ मैंने लिए हुए हैं, एक्सट्रीम लो लाइट में कैसा परफॉर्म करता है। तो पहला शॉट देख सकते हो, ये नॉर्मल मोड का है और यहाँ पे चीज़ें ठीक ठाक दिख रही हैं। मेरी गाय है, ये हैंजी नाम है वैसे इसका, तो काफ़ी ठीक दिख रहा है। बट जैसे ही मैंने इसको नाइट मोड में लिया है तब चीज़ें क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, बट फोटो में हल्का सा लाइट कम हो गया है। क्लैरिटी तो बढ़ गई है, डिटेल्स बढ़ गई है, बट लाइट हल्का सा कम हो गया है। ये अगेन ये देख सकते हो, ये नॉर्मल शॉट है और इसमें काफ़ी नॉइज़ आ रहा है, आप ट्री के पास देख सकते हो या फिर धरती पे देख सकते हो। और जैसे ही नाइट मोड में लिया तो नॉइज़ तो कम हो गया बट लाइट काफ़ी कम हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइट भी बरकरार रहना चाहिए फोटोज़ के अंदर। चलो अब देखते हैं फ्रंट के कुछ लो लाइट के फोटोज़ जो मैंने 2-4-6 निकाले हुए हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख सकते हो, ये फ्रंट फ्लैश के साथ है और यहाँ पे एकदम से मेरे चेहरे पे उजाला हो गया है। बस एक चीज़ मैंने नोटिस किया, लो लाइट हो या फिर कैसा भी लाइट हो, पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छा काम करता है और जो स्किन टोन्स हैं वो काफ़ी क्लोज टू नेचुरल आती हैं, जैसे हम इंडियंस की दिखती हैं वैसी आती हैं। अब कुछ वीडियोज़ भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये जो पहला वीडियो आप देख रहे हो ये 4K 30fps पे है और शाम का टाइम है, और अगर आप फ़ोन को सब्जेक्ट के काफ़ी क्लोज लेके जाते हो तो एक नेचुरल ब्लर भी पीछे की तरफ आपको बैकग्राउंड में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा देखने के लिए लगता है। तो यहाँ पे आप लाइटिंग वगैरह देख सकते हो काफ़ी अच्छा मैनेज किया है, और ऐसे कोई फ्रेम ड्रॉप्स या फिर वीडियो में जिटर्स वगैरह हमको एक देखने के लिए नहीं मिले। और हल्का सा अगर EIS का आइडिया दे दूँ तो 4K पे एक्चुअली EIS वर्क नहीं करता है यहाँ पे, बट जो क्लैरिटी है वीडियो की वो काफ़ी शार्प मेरे को देखने के लिए लगी, वीडियो काफ़ी शार्प निकल के आता है और जो स्किन टोन्स है वो भी बिल्कुल बिगड़ती नहीं है। EIS का आप एक अंदाजा ले सकते हो, ऐसे मतलब EIS ऑब्वियसली नहीं मिलता, और ये फुल HD 30fps का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो EIS काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और फोकस लॉस ऐसा कुछ मेरे को देखने के लिए नहीं मिला, काफ़ी क्विकली और काफ़ी अच्छा फोकस फोन करता है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जब सब्जेक्ट फ्रेम में है, जब फ्रेम से निकलता है तो ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम ड्रास्टिकली एक्सपोजर में चेंज नहीं आता है, एक्सपोजर काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। अब आप ये वीडियो देखो, ये मैंने बाइक चलाते हुए रिकॉर्ड किया और गांव का एकदम ऊबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता है और फ़ोन को मैं हाथ से पकड़ा हुआ हूं। और यहां पे EIS देखो कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है, बिल्कुल भी वीडियो ऐसा नहीं है कि दुनिया एकदम उथल पुथल हो गई, चीज़ें एकदम ऊपर नीचे हो गई। EIS एक्चुअली काफ़ी बढ़िया काम कर रही है और वीडियो की क्वालिटी है वो भी चलते हुए बाइक के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया निकल के आई है, और डायनेमिक रेंज वगैरह भी अच्छी निकल के आई है। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फोन हाथ में पकड़ के लावा 5G के फ्रंट कैमरे से कर रहा हूँ, फुल HD 30fps, और चेहरे पे लाइट भी पड़ रही है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो किस तरीके से लाइट मैनेज हो रही है। और कुछ इस तरीके का है, मैंने जानबूझ के वाइट टी शर्ट पहनी है ताकि एक्सपोजर का अंदाजा लग जाए कि एक्सपोजर कैसा मेंटेन कर पाता है ये फोन। ये एकदम एक्सट्रीम लो लाइट वीडियो है अग्नि 2 5G के बैक कैमरे से, केवल यहाँ पे एक लाइट जल रही है ट्यूबलाइट, एंड ऐसा कुछ वीडियो क्वालिटी है। वैसे एक चीज़ मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि फोकस तो ये रात में भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, मैं इधर देखिए पोल पे फोकस करता हूँ, ये काफ़ी क्विकली पोल पे फोकस कर लेता है, और उसके बाद जब मैं नॉर्मल करता हूँ तो वहाँ पे भी फोकस कर लेता है। तो इस तरह का कुछ इसका एक्सट्रीम लो लाइट मान लीजिए बहुत ज़्यादा अंधेरा है वो वाला। अब उसी सेम लाइट में फ्रंट कैमरे से फुल HD 30fps का वीडियो सैंपल ये है, वही सेम लाइट है जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, और ये जो जल रही है वो। एंड इसके अलावा अब फ्रंट कैमरा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट पे ज़्यादा लाइट रहनी चाहिए, सिंपल सा फंडा यही होता है, अच्छी सेल्फी वीडियो वही होती है यहाँ पे। जैसे अभी मैं हूँ तो मेरे ऊपर अच्छी NF लाइट होनी चाहिए, बैकग्राउंड में चीज़ें थोड़ी बहुत गड़बड़ है कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे ऊपर अच्छी लाइट होनी चाहिए। और यहाँ पे एक्सपोजर वगैरह शिफ्ट कुछ इस तरीके से हो रहा है, ओवरऑल जो वीडियो क्वालिटी है कुछ इस तरीके की मिलती है। ये इस फोन से 1080p 120fps पे एक स्लो मोशन वीडियो है, और स्लो मोशन भी काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड कर लेता है फोन, ऐसे फ्रेम्स स्किप नहीं होते, ना ही कोई जिटर आता है, तो ओवरऑल स्लो मोशन भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर इस फोन के कैमरा को मैं समअप करके बताऊं और 20,000 का प्राइस पॉइंट अपने दिमाग में रख के चलूं, तो मेरे को एक चीज़ नोटिस हुई कि यहाँ पे हार्डवेयर तो काफ़ी अच्छा डाला है, लाइक जो मेन बैक कैमरा सेंसर है उसका पिक्सल साइज काफ़ी बढ़िया है, वो लो लाइट हो या फिर डे लाइट हो काफ़ी अच्छे फोटोज़ लेता है, और फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छे फोटोज़ लेता है। बस यहाँ पे जो कमी है ना वो सॉफ्टवेयर की कमी है, सॉफ्टवेयर के थ्रू अभी बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे हो सकता है
सकता है। और अगर सॉफ्टवेयर लावा ने काफ़ी अच्छा कर दिया ना, तो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स की लिस्ट में भी ये वाला फ़ोन आ सकता है इजीली। लाइक यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर से, एक तो HDR मोड को काफ़ी अच्छा कर दें, फ्रंट कैमरे में HDR मोड दे ही नहीं रखा, वहाँ पे HDR को दें, साथ में जो पोर्ट्रेट मोड जब हम फोटोज़ लेते हैं तो वहाँ पे HDR बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू अभी बहुत सारा काम यहाँ पे बाकी है, हार्डवेयर काफ़ी अच्छा है, सॉफ्टवेयर डाल दें तो कैमरा डिपार्टमेंट फोन का काफ़ी सॉर्टेड हो जाएगा। बाद बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक यार जरूर करना यार, और एडिटिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल भी मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।